हत्या के मामले में जेल में बंद एक कैदी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसे उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि जेल में उसके साथ मारपीट हुई, जिसके बाद उसकी मौत हुई है। मृतक श्रीनगर निवासी आकाश ताराचंद गोड बताया गया। 21 सितंबर 2021 की रात वेंकटेश नगर निवासी तुषार उर्फ ठाकुर सुदेश सिंह बेस की हत्या हुई थी। इस मामले में पुलिस ने आकाश और अरुण उर्फ राम अवस्थी को गिरफ्तार किया था। तुषार, आकाश और अरुण दोस्त थे। 21 सितंबर को शराब पीने के लिए अरुण के फ्लैट पर गए थे। वहां अरुण की महिला मित्र भी आई थी। शराब का नशा होने पर मोबाइल पर गाना सुनने को लेकर अरुण और तुषार का विवाद हो गया। अरुण और आकाश ने तुषार की जमकर पिटाई की। जख्मी होने के बाद उसे अस्पताल भी ले गए, लेकिन उपचार के दौरान तुषार की मौत हो गई। मैं नंदनवन में रहता हूँ, श्रीनगर केडीके कॉलेज के पास, प्लाट नंबर 46। मेरा नाम ताराचंद गौड़ है। मेरे लड़के का नाम आकाश गौड़ है, जो 302 के केस में फंसाया गया था मेरे लड़के को। और मैं जेल में अभी सोमवार को मिलने के लिए गया उससे, तो मेरे को बोला कि मेरे को जेलर ने बहुत मारा, पुलिस वालों ने मारा, और मेरी के इमरजेंसी बेल डाल के मेरे को बाहर निकलवाओ। क्यों मारा पुलिस वालों ने, कुछ बताया क्या? वो झगड़ा हुआ था एक लड़के के साथ पानी के लिए, तो उसको एक कमरे में बंद कर दिया था, उसके लिए मारा उसको। मेरे को कल रात को 8 बजे पता चला है। 8 बजे एक पुलिस वाला आया कि ऐसे ऐसे फलाना आदमी ख़त्म हो गया, आप जाके देख लो। घर में कोई था नहीं, 2 लेडीज़ थी, और वो पुलिस वाला तुरंत वहाँ से निकल गया। उसके बाद सवेरे हम लोग रिपोर्ट डालने गए तो रिपोर्ट भी लेने को तैयार नहीं। नगर सेवक ने जाके बोला ज़्यादा, तब जाके वो रिपोर्ट ली, नहीं तो वो रिपोर्ट भी नहीं ले रहे थे। नहीं, मेरे लड़के को पुलिस, मेरे लड़के को कभी बुखार नहीं आता था सर, पुलिस वालों ने मारा है। पुलिस वालों ने कुछ नहीं बताया, पुलिस वाले तो बात ही करने को तैयार नहीं है सर। मेरा कहना यही है कि मेरे लड़के के साथ में अन्याय होना चाहिए, अन्याय हुआ है मेरे लड़के के साथ में। मेरे लड़के को पुलिस वालों ने मारा है, जेल में ही मेरे लड़के को मारा है। और नहीं, मेरे पास में एक पुलिस वाले को भेजा बात करने के लिए, मेरे को समझाना चाह रहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोले उसकी तबीयत खराब थी, तबीयत खराब थी तो हमको आके बताना था, हमको नहीं बताया उसने। फ़ोन तो भी करना था, नहीं तो पुलिस वाले को भेजना था घर में कि तुम्हारे लड़का की तबीयत ख़राब है, हम दूसरी जगह ले जाके इलाज कराते, अगर यहाँ ठीक नहीं होता तो प्राइवेट में कराते थे। तो वो कुछ भी नहीं बताया। 8 बजे जब ये सब ख़त्म हो गया, बंद हो गया है मेडिकल में भी, तब जाके उसने बताया। इस मामले में नंदनवन पुलिस ने आकाश और अरुण को गिरफ्तार किया था, तब से आकाश जेल में था। पुलिस के अनुसार शनिवार दोपहर 3:15 के दौरान अचानक आकाश की तबीयत बिगड़ गई। उसे उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। धंतोली पुलिस को सूचना दी गई और आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया। रविवार को आकाश के परिजन मेडिकल अस्पताल पहुंचे। उनका आरोप है कि जेल के भीतर आकाश के साथ मारपीट हुई, इसी वजह से उसकी मौत हुई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वैसे भी जेल में कैदी की मृत्यु होने पर न्याय दंडाधिकारी द्वारा जांच की जाती है। रविवार को नियमानुसार न्याय दंडाधिकारी की उपस्थिति में वीडियोग्राफी के साथ आकाश का पोस्टमार्टम किया गया। उसकी मौत की वजह फिलहाल पता नहीं चल पाई है। विस्तृत PM रिपोर्ट में ही कारण पता चल पाएगा। कारण रीजन हे होता, बॉडी आली 3 वाजता मेडिकल मध्ये, सांगून राहिले संध्याकाळी 8 वाजता, त्याच्या मागचं रिझन काय होतं? त्यानंतर जेलच्या आरोपीला तुम्ही मारून राहिले, एवढं त्या अंगावर निशाण आहे, सर्व आहे, आणि त्या पूर्ण अंगावर त्या वर दिसून राहिले का? म्हटलं कोणत्या कोणत्या कारणामुळे त्याला मारण्यात गेलं जेलमध्ये? कोणत्या कारण? तो मासूम, त्याने काय म्हटलं होतं त्याला जेलमध्ये मारण्यात गेलं? आम्हाला सर्व न्याय पाहिजे आता, आणि ज्या पण साहेबने जेलमध्ये मारलं त्याला, त्या साहेबांना इथं बोलवण्यात आलं पाहिजे पहिले। कोणत्याही कंडिशनमध्ये त्याला कोणत्याही कंडिशनमध्ये इथं बोलवण्यात आलं पाहिजे पहिले, नाही तर आम्ही इथून जाऊन नाही। तोपर्यंत बॉडी नाही आणणार, आता बॉडी नाही आणणार, त्या साहेबाला पहिले बोलवा इथे। तोपर्यंत पूर्ण अंगावर ज्वर आहे, त्या नाकामधून हातावर ब्लड चालू आहे, नाकामधून हातावर ब्लड चालू आहे, हातावर ब्लड चालू आहे नाकामधलं। त्यांना बोलवा पहिले, त्यांच्या अंगावर पूर्ण वरावर, इकडे इकडे निशाण, इकडे निशाण, इकडे निशाण, हातावर निशाण, सर्व गोष्टीवर निशाण आहे। पण सांगून राहिले का सुसाईड केलं बाबा म्हणून, कोणत्याही सोसायटीच्या रिझनचं सांगा का सुसाईड केलं त्यांनी, कोणत्या बेसिकला सुसाईड रिझन आहे ते बोलवा त्यांना पहिले। आता तोपर्यंत इथून आणणार नाही बॉडी, तोपर्यंत बॉडी नाही हलणार बस। के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।